न्यूज टाइम हैदराबाद। हम आज की ये मीटिंग उस्मानिया हॉस्पिटल के तालुक में है। बहुत 10-15 साल से हम लोग एक नए उस्मानिया के लिए, नया बेहतरीन उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए, गवर्नमेंट को अर्जी दिए, कोर्ट में भी पिटीशन लगाए कि हैदराबाद के इस एरिया के लिए हमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए, 2000 बेड का, जिसमें मरीजों का बेस्ट इलाज हो सके, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो काफ़ी इसके लिए कोशिश जारी है। गवर्नमेंट को पिटीशन दिए, अपोजिशन को भी पिटीशन दिए, हाईकोर्ट में केस डाले, तो चल रहा है। बहुत बार सुनने में आया कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, बजट भी अलॉट हो गया, जीवो भी निकल गया, 2-4 साल हो गए, लेकिन कुछ हो रहा नहीं। पॉलिटिकल लीडर से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप अपनी इन्फ्लुएंस यूज कर दिए ना। तो इस दौरान हम हैदराबाद शहर के एमपी साहब असाउद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि कल वो उस्मानिया है, उसका पूरा दौरा लिया, और उनकी भी यही राय है गवर्नमेंट को कि गरीब पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए। तो हम एसोसिएशन की तरफ से, सभी मरीजों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से असउद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर उस्मानिया का दौरा किए, और वो भी इसी राय के हैं कि ये उस्मानिया नहीं, पुरानी उस्मानिया जो एक खंडर की हालत में है, उसकी जगह एक नया उस्मानिया चाहिए, जो आम जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब जनता इमरजेंसी में जो आते उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। बाकी के डॉक्टर्स जो अपोलो में हैं उससे बेहतरीन और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उस्मानिया में। प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहाँ पर फैसिलिटीज ठीक नहीं है। मरीज चाहते हुए भी उस्मानिया नहीं आना चाहते, कर्जा लेके, ये लेके, इधर से लेके वो दूसरे हॉस्पिटल को जाना चाहते। अब आपको तो पता है कोरोना में कैसा हो गया, तो इसीलिए हम सभी आज एक मीटिंग ये भी थी कि हम लोग ओएसी साहब का शुक्रगुजार, थैंक यू बोलने के लिए कि भाई वो भी इस कॉज के लिए सपोर्ट है, और उनका सपोर्ट रहना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज लोग उनकी सुनते हैं, लोग हमारी नहीं सुनते, लोग उनकी सुनेंगे। हम लोग अपॉइंटमेंट लेके साहब को और एक बार मिलेंगे, पर्सनली भी थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने जो कदम लिए उससे हमको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा उस्मानिया, नहीं उस्मानिया आने की बात। दो सौ करोड़ हो सो है, रोजा के टाइम हो सो है, वो भी निकला, लेकिन पता नहीं जब गवर्नमेंट चेंज हो गई सब हो गए, ओएसी साहब को ये तो आपको उनसे मिल जाएगी। हमारा तो ये ही है कि वी आर वेरी हैप्पी कि वो एक कॉज के लिए आएगा। सबको भी इशू वॉन्ट टू थैंक यू टू हाईलाइट दिस इशू, प्लीज आप लोग थोड़ा हाईलाइट कीजिए और हर हमारी तरफ से उनको थैंक्स पहुंचा दीजिए, जिस तरीके भी आप लोग करते हैं पता नहीं, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी। और कल उनका स्टेटमेंट आया तो इसीलिए हम लोग सोचे आज उनको फॉर्मली मीडिया के दौरान, टीवी के दौरान एटलीस्ट थैंक यू बोल दी कि वो लोग करें ना, वो लोग और आप लोग अगर करें तो जरूर 4-6 महीने में उस्मानिया का कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोर्ट का भी चल रहा है अभी कोरोना की वजह से, कोर्ट पोस्टपोन। हमारा उस्मानिया एलुमिनी के तरफ से और IMA के तरफ से, बिकॉज आई एम देयर इन IMA ऑल्सो, और हमारे तरफ से कल उनका विजिट करने का और थैंक्स है उनको, और ये आगे ले जाने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है वॉइस साहब से, गवर्नमेंट से, तो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करें।